अभी सुबह के 6 बजे हैं और यह है पेंच नदी शिवपुरी का सीन। किस तरह से भक्तगण सूर्य की एक दर्श के लिए, सूर्य देवता के दर्शन करने के लिए पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्दी सूर्य देवता दर्शन देने वाले हैं। जो कि आप देख रहे हैं पूर्व की ओर एक प्रकाशमय माहौल और ये भक्त गणों का जमावड़ा नदी के तट पर, एक शानदार, एक बहुत ही भक्तिमय माहौल इस नदी के किनारे। और ये महिलाएं पानी में बहुत ही एक तपस्या के जैसे होता है ये समय, जब लगभग आधा शरीर पानी में डूबा होता है। यहाँ पर पानी का स्तर बहुत कम है, इसलिए घुटनों तक पानी में यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। इस पर्व में 4 देवताओं की पूजा होती है, अग्नि, वायु, धरती, सूर्य और उसके साथ साथ माता षष्ठी कात्यायनी का रूप। माता कात्यायनी के इस रूप की भी पूजा होती है। महिलाएं इसको विशेषकर इसीलिए करती हैं क्योंकि कात्यायनी माता मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दीपावली के 6ठे दिन से पहले 3 दिन और निर्जला व्रत रखा जाता है। इस त्योहार में पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी आराध्य होते हैं। सभी के आराध्य हैं वायु, पृथ्वी, जल और सूर्य। पर्यावरण के बहुत करीब है ये त्योहार और इसे पर्यावरण से के अनुकूल त्योहार माना गया है। आप देख सकते हैं पेंच नदी के किनारे भक्तों का एक बहुत बड़ा समूह। अभी यहाँ पर ऐसा समय है कि जल, पृथ्वी और वायु तीनों उपस्थित हैं, केवल इंतजार है देवता सूर्य का। षष्ठी माता देवी कात्यायनी के रूप, छठ, प्रकृति पूजा के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। प्रमुखतः उत्तर भारत का त्योहार, झारखंड, बिहार, पटना इत्यादि राज्यों का ये प्रमुख त्योहार है। दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन के जैसे ये त्योहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार का महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ बच्चे बहुत ही ज्यादा लुत्फ उठाते हैं। आप देख सकते हैं नदी के किनारे खेलते हुए ये बच्चे। इसके साथ साथ 4 दिवसीय निर्जला व्रत के बाद में आज षष्ठी का दिन आ चुका है, जिस दिन सारे भक्तगण इस त्योहार का समापन यहाँ पर दिए सिरा करके करेंगे। ये सजावट विगत 4 दिनों से की गई है, जो नित्य यहाँ पर इस तरह की कार्यक्रम होते रहते हैं।